हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। खैर, जिस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मॉडल सेट को सॉल्व कर रहे हैं, उससे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एसपीटीस वन विज्ञान में मॉडल सेट नंबर 12। लेकिन इसके पहले समझिएगा, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आप अपने जीवन और कैरियर के बारे में देखें, न कि आईपीएल के बारे में। आज कल आईपीएल का सेशन स्टार्ट हो गया है, वह आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, वह छूटने नहीं जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपके सामने जो आपकी प्राथमिकता है, वो आपका एग्ज़ाम और आपका कैरियर है। तो सबसे पहले आप अपने कैरियर पर ध्यान दें, न कि क्रिकेट के पीछे भागें। क्योंकि देखिए, क्रिकेट जो हो रहा है, वह सेशन जो आपको आईपीएल सेशन हो रहा है, वह एक तरह से बिजनेस है। वह आपको क्रिकेटरों का वह बिजनेस है, उनको उनसे पैसा मिल रहा है, उतना मेहनत कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। बताइए, आप देख रहे हैं आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। रही बात उससे संबंधित जीएस की, क्वेश्चन की, तो आप मैगजीन में भी पढ़ करके तैयार कर सकते हैं। उसके लिए 4 या 5 घंटा समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका बिजनेस है, आप उसमें हेल्प मत कीजिए, आप अपना काम देखिए। इसी तरह आजकल चुनाव का भी दौर चल रहा है। ये जितने भी अंगूठा छाप जो नेता विधायक के लिए दौड़ रहे हैं, ये इनके पीछे भी आप मत भागिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये भी अपना बिजनेस करें, वो अपने बिजनेस कर रहा है, वो आपके काम के लिए नहीं भाग रहा है, ठीक ना? तो आप उसके पीछे भी मत भागिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मॉडल सेट नंबर 12। समझिएगा, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह ये है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। समझिएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? समझिएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है ना? समझिएगा, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है, वह आपको साइनोकोबैलामीन है। समझिएगा, आपको विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है, वह साइनोकोबैलामीन है। आप याद रखेंगे, आपको विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है, वह साइनोकोबैलामीन है। आइए विटामिन से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को यहाँ देख लेते हैं। समझिएगा, सबसे पहले विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का जो खोज किया था, वह आपको 1911 में फंक ने किया था, है ना? 1911 में आपको फंक ने किया था, 1911 में आपको विटामिन का जो खोज किया था, वह आपको फंक ने किया था। फिर समझिएगा, विटामिन ए एवं बी का जो खोज किया था, वह आपको मैकुलन ने किया था, है ना? विटामिन ए एवं बी का जो खोज किया था, वह आपको मैकुलन ने किया था। और समझिएगा, विटामिन सी का जो खोज किया था, वह आपको इयुजोक्ट होलकट ने किया था, है ना? इयुजोक्ट होलकट ने किया था। और समझिएगा, विटामिन डी का जो खोज किया था, वह आपको हॉपकिंस ने किया था, है ना? विटामिन डी का जो खोज किया था, वो हॉपकिंस ने किया था। समझिएगा, फिर विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबैलामीन है ना? और विटामिन का जो खोज किया था 1911 में फंक ने किया था, और विटामिन ए एवं बी का जो खोज किया था वह मैकुलन ने किया था, और विटामिन सी का खोज इयुजोक्ट होलकट ने किया था, और विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसमें और भी हम बताएंगे, है ना? चलिए अब आगे हम देखते हैं। समझिएगा, विटामिन याद रखिएगा, विटामिन दो तरह के होते हैं, विटामिन दो तरह के होते हैं। पहला जो विटामिन होता है, वो आपको जल में घुलनशील विटामिन होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है, है ना? जल में जो घुलनशील विटामिन है, उसमें विटामिन बी समूह एवं
सी है ना, आपको विटामिन बी समूह एवं सी है। और दूसरा है आपको वसा में घुलनशील विटामिन, है ना, वसा में घुलनशील विटामिन, समझिएगा, वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसमें आपको ए डी ई एवं के है ना, आपको ए डी ई एवं के है। तो ये आपको वसा में घुलनशील विटामिन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन है और वसा में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन है, तो याद रखेंगे जल में घुलनशील विटामिन बी, विटामिन बी समूह एवं सी आता है और वसा में घुलनशील विटामिन आपको ए डी ई के आता है। कंप्लीट है। अब हम यहाँ देख लेते हैं प्रमुख विटामिनों का रासायनिक नाम, समझिएगा, प्रमुख विटामिनों का रासायनिक नाम देखिएगा। इसमें देखते हैं पहले विटामिन बी वन, विटामिन बी वन, समझिएगा, विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है वह आपको थायमिन है, थायमिन है ना। इसी तरह आपको विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी टू, विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है वह आपको विटामिन राइबोफ्लोबिन है, राइबोफ्लोबिन है, समझिएगा, विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है वह आपको राइबोफ्लोबिन है, समझिएगा। विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री का जो रासायनिक नाम है वह पेंटोथेनिक अम्ल है ना, पेंटोथेनिक अम्ल है, समझिएगा, विटामिन बी थ्री का जो रासायनिक नाम है वह पेंटोथेनिक अम्ल है। उसके बाद विटामिन बी फाइव, समझिएगा, विटामिन बी फाइव का जो रासायनिक नाम है वह आपको निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड या नियासिन है ना, नियासिन है। तो समझिएगा विटामिन बी फाइव का जो रासायनिक नाम है वह निकोटिनामाइड या नियासिन है। और समझिएगा विटामिन बी सिक्स का जो रासायनिक नाम है वह आपको पाइरोडॉक्सिन है ना, पाइरोडॉक्सिन है। तो ये आपको विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है। और समझिएगा विटामिन बी सेवन, विटामिन बी सेवन का जो रासायनिक नाम है वह आपको बायोटिन है, बायोटीन है, समझिएगा, आपको विटामिन बी सी का जो बी सेवन का जो रासायनिक नाम है वह बायोटीन है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन बी नाइन, समझिएगा, विटामिन बी नाइन का जो रासायनिक नाम है वह आपको फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड है ना, फॉलिक एसिड है। और याद रखिएगा विटामिन सी, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह आपके एस्कॉर्बिक एसिड है ना, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड है ना, एस्कॉर्बिक एसिड है। और मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी ट्वेल्व का जो है आपको साइनोकोबैलामिन है ना, साइनोकोबैलामिन है ना। तो समझिएगा ये आपको विटामिन बी समूह एवं सी का रासायनिक नाम है, समझिएगा, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन, बी टू का राइबोफ्लोबिन, बी थ्री का पेंटोथेनिक अम्ल, बी फाइव का निकोटिनामाइड या नियोसिन, बी सिक्स का पायरोडॉक्सिन, बी सेवन का बायोटिन, बी नाइन का फॉलिक एसिड, बी विटामिन बी, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन बी ट्वेल्व का आपको साइनोकोबैलामिन है ना। तो ये आपको विटामिन बी समूह एवं सी का रासायनिक नाम यानी जल में घुलनशील विटामिनों का यह रासायनिक नाम है। अब हम देख लेते हैं आपको वसा में घुलनशील विटामिन, समझिएगा, वसा में घुलनशील विटामिनों के रासायनिक नाम, समझिएगा, इसमें है आपको विटामिन ए, विटामिन ए, समझिएगा, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आपको रेटिनॉल है ना, रेटिनॉल है, समझिएगा, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आपको रेटिनॉल है। और विटामिन डी, समझिएगा, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरॉल है ना, कैल्सीफेरॉल है, समझिएगा,
आपको विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सिफेरॉल है, और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह टोकोफेरॉल है ना, टोकोफेरॉल है। आपको विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह टोकोफेरॉल है, और विटामिन के, समझिएगा, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह आपको फिलोक्यूलोन है ना, फिलोक्यूलोन है। तो समझिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिलोक्यूलोन। तो ये आपको प्रमुख विटामिन और उनके रासायनिक नाम है, कंप्लीट। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन, समझिएगा, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह आपको है कि हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है, समझिएगा, हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है, समझिएगा। दो नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है, समझिएगा, होता है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन में जो सर्वाधिक क्रियाशील होता है वह आपको फ्लोरीन होता है ना, होता है आपको फ्लोरीन, समझिएगा, सर्वाधिक जो आपको अभिक्रियाशील होता है वह फ्लोरीन होता है, याद रखिएगा। इसका खोज किसने किया था, इसका खोज आपको फ्रांसिस वैज्ञानिक हेनरी मोइसन ने किया था, है ना, इसका जो खोज किया था आपको फ्लोरीन का जो खोज किया था आपको फ्रांसिस वैज्ञानिक हेनरी मोइसन ने किया था, है ना, हेनरी मोइसन ने किया था, याद रखिएगा। हैलोजन में सर्वाधिक जो अभिक्रियाशील होता है वह फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी मोइसन ने किया था, याद रखिएगा। हेनरी मोइसन ने आपको यौगिकों से आपको फ्लोरीन को अलग करने के लिए इन्हें 1906 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार आपको मिला था, समझिएगा। फिर सोचिएगा, हाइलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, याद रखिएगा। फ्लोरीन का जो खोज किया था वो आपको फ्रांसिस वैज्ञानिक हेनरी मोइसन ने किया था, है ना, हेनरी मोइसन ने इसका खोज किया था, और याद रखिएगा, हेनरी मोइसन ने यौगिकों से फ्लोरीन को अलग करने के लिए 1906 में इन्हें आपको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, है ना, 1906 में हेनरी मोइसन को रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, कंप्लीट। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जीव का विकास को सबसे पहले किसने दिया था, जीव के विकास को, है ना, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपको जीव के विकास का सिद्धांत किसने दिया था, है ना, समझिएगा, जीव के विकास के सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था, याद रखिएगा, जीव के विकास के सिद्धांत को सबसे पहले आपको लैमार्क ने दिया था, है ना, सबसे पहले लैमार्क ने दिया था। आज एक क्वेश्चन कि जीव के विकास के लिए सबसे पहले जो सिद्धांत किसने दिया था, वह लैमार्क ने दिया था, याद रखिएगा। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, है ना, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम
सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? याद रखिएगा, फ्रांसिस वैज्ञानिक लैमार्क एवं जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवी रेनस ने 1802 में किया था। समझिएगा, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले आ जाए क्वेश्चन कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आपको फ्रांसिस वैज्ञानिक लैमार्क ने और जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवी रेनस ने किया था, है ना। ट्रेवी रेनस ने किया था कब? 1802 में। फिर आ जाए क्वेश्चन कि जीव के विकास का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, तो लैमार्क ने दिया था और इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किसके साथ मिलकर? आपको जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवी रेनर्स के साथ मिलकर। कब दिया था? 1802 में। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर, समझिएगा, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में किस द्रव का उपयोग किया जाता है। समझिएगा, ठंडक उत्पन्न करने के लिए आपको चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, आपको ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, आपको फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है ना। रेफ्रिजरेटर में आपको ठंडक उत्पन्न करने के लिए आपको फ्रियोन नामक द्रव का उपयोग किया जाता है। इसका जो आपको खोज किया था आपको फ्रांसिस वैज्ञानिक लीनेक ने किया था, है ना। आपको लीनेक ने किया था, समझिएगा, फ्रियोन का जो खोज किया था आपको लीनेक ने किया था, है ना, लीनेक ने। समझिएगा, फिर ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रियोन का उपयोग किया जाता है। फ्रियोन का जो खोज किया था फ्रांसिस वैज्ञानिक लीनेक ने किया था। याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में आपको फ्रियोन के अलावा और भी गैस का उपयोग किया जाता है ठंडक के लिए। कौन कौन सा है? पहला है आपको आमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और प्रोपेन। याद रखिएगा, फ्रियोन के अतिरिक्त रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए यानी शीतलन प्रशीतक उत्पन्न करने के लिए अमोनिया का भी प्रयोग किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है और प्रोपेन का भी प्रयोग किया जाता है फ्रियोन के अलावा। हालांकि इसके पहले याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए आप प्रशीतक के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता था, है ना। आपको CFC का उपयोग किया जाता था, लेकिन यह गैस अधिक हानिकारक होने के कारण यानी ओजोन परत के क्षरण में जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको मुख्य घटककारी है यह गैस, इसीलिए इसका प्रयोग बंद कर दिया गया। रेफ्रिजरेटर में आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग बंद कर दिया गया, उसके जगह आपको ठंडक उत्पन्न करने के लिए आपको फ्रियोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और प्रोपेन का उपयोग किया जाता है, है ना। तो ये आपको चौथा नंबर क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं पाँचवा नंबर, समझिएगा, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह कि द्रव की अपेक्षित आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है। समझिएगा, जो पांच नंबर क्वेश्चन है वह है कि द्रव की आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। समझिएगा, किस यंत्र से किया जाता है। याद रखिएगा, द्रव की अपेक्षित आर्द्रता का जो मापन किया जाता है वो आपको हाइग्रोमीटर से किया जाता है, है ना, हाइग्रोमीटर से किया जाता है। याद रखिएगा, द्रव की अपेक्षित आर्द्रता का जो मापन किया जाता है
वो आपको हाइग्रोमीटर से किया जाता है ना, हाइग्रोमीटर से किया जाता है, याद रखेंगे। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि जो मेरा विविध का क्लास है, आप जाइएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, तो विविध का क्लास है, उसमें पूरे उपकरण और उनके कार्यों को मैं दिखा दिया हूँ। उसी में आपको मिल जाएगा द्रव की आपेक्षिक आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर में, समझिएगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किस कारण से वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, समझिएगा किस कारण से, किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री है ना, किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है ना, स्याही रिस जाती है, समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब के कम के कारण है ना, वायुमंडलीय दबाव में कमी के कारण यह ऐसा होता है ना, वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण है ना, कमी के कारण ऐसा होता है, समझिएगा। किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, तो आपको वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण ऐसा होता है ना, वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण वायुयान में बैठे यात्री के जो फाउंटेन पेन होता है उसे पेन स्याही क्या होता है, निकलने लगता है। और याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, कठिनाई होती है, समझिएगा। वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण पहाड़ों पर भी खाना बनाने में कठिनाई होती है। और एक बात याद रखिएगा, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को वायुयान की यात्रा करने से मना किया जाता है, समझिएगा, करने से मना किया जाता है। आपको फिर समझिएगा, ठीक ना, किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, तो वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण ऐसा होता है। और याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण ही पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है ना, वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण ही पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। साथ ही जो उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति होते हैं, जो उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें हवाई यात्रा किए जाने से रोका जाता है, उनको सलाह दिया जाता है कि वो हवाई यात्रा न करें। अब समझिएगा, यहाँ पर कुछ और पॉइंट को समझ लेते हैं, समझिएगा। आता है क्वेश्चन आपको फाउंटेन पेन, तो समझिएगा फाउंटेन पेन का खोज किसने किया था, है ना, फाउंटेन पेन का जो खोज किया था वो आपको लेविस वाटरमैन ने किया था, है ना, अमेरिकी वैज्ञानिक, समझिएगा। ये जो हमारा फाउंटेन पेन है, समझिएगा, ये फाउंटेन पेन का जो खोज किया था आपको लेविस, अमेरिकी वैज्ञानिक है ना, अमेरिकी वैज्ञानिक लेविस वाटरमैन ने इसका खोज किया था, है ना, फाउंटेन पेन का जो खोज किया था वह अमेरिकी वैज्ञानिक लेविस वाटरमैन ने इसका खोज किया था।
अब समझिएगा, हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब। समझिएगा, वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक होता है ना, इसका जो एसआई मात्रक होता है वह आपको बार होता है ना। वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह आपको बार होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब का जो मापन किया जाता है वह आपको बैरोमीटर से किया जाता है ना, आपको बैरोमीटर से किया जाता है। समझिएगा, आपको वायुमंडलीय दाब का जो मापन किया जाता है वह बैरोमीटर से किया जाता है। और याद रखिएगा, बैरोमीटर का खोज किसने किया था? टॉर्सेली ने किया था, है ना। आपको टॉर्सेली ने, ये इटली के निवासी थे, है ना, आपको इटली के वैज्ञानिक टॉर्सेली ने आपको बैरोमीटर का खोज किया था। फिर समझिएगा, आपको फाउंटेन पेन का जो खोज किया था वो अमेरिकी वैज्ञानिक लेविस वाटरमैन ने किया था, है ना। और वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह बार होता है। और वायुमंडलीय दाब का जो मापन किया जाता है वह बैरोमीटर से किया जाता है। और बैरोमीटर का जो खोज किया था वो आपको टॉर्सेली, इटली वैज्ञानिक टॉर्सेली ने किया था। और याद रखिएगा, बैरोमीटर के पाठ्यांक जब अचानक गिरता है, फिर समझिएगा, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है वह अचानक गिरता है तब आंधी तूफान का संकेत होता है। लेकिन जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो स्वच्छ मौसम का संकेत होता है। और वहीं बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो बारिश होने का संकेत होता है। तीन ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर का जब पारा अचानक नीचे गिरे तब वह आंधी तूफान का संकेत होता है। बैरोमीटर का पारा जब धीरे धीरे नीचे गिरे तो स्वच्छ मौसम का संकेत होता है। बैरोमीटर का पारा जब धीरे धीरे ऊपर बढ़े तो बारिश का संकेत होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपको 6 नंबर क्वेश्चन था, आपको 6 नंबर में क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं 7 नंबर। समझिएगा, 7 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है, सॉरी ये आपको 6 नंबर था, 7 नंबर हम बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कितने हर्ज की अनुभूति। समझिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है कितने हर्ज की अनुभूति, कितने हर्ज की अनुभूति, कितने हर्ज की अनुभूति मानो अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है, मानो अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है। समझिएगा, आपको कर सकता है। फिर क्वेश्चन देखिएगा, कितने हर्ज की अनुभूति मानो अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है। समझिएगा, ये जो है आपको 20 हर्ज से आपको 20,000 आपको हर्ज तक की आवृत्तियों को व्यक्ति अपने कानों तक आसानी से सुन सकता है, उसके अनुभव कर सकता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने हर्ज की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है। तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक वह आपको कानों तक ध्वनि का अनुभव कर सकता है। अब हम 8 नंबर में देखते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि भू अस्थाई उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितने ऊंचाई पर स्थित है। समझिएगा, भू अस्थाई उपग्रह 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपको, भू अस्थाई उपग्रह, भू अस्थाई उपग्रह इसे कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना। भू अस्थाई उपग्रह अर्थात जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग कितने ऊंचाई पर स्थित है, कितने ऊंचाई पर स्थित है। फिर समझिएगा, भू अस्थाई उपग्रह अर्थात जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग कितने ऊंचाई पर स्थित है। तो याद रखिएगा, ये जो स्थित है आपको 36,000 किलोमीटर, है ना, 36,000
आपको किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, आपको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आ जाए क्वेश्चन कि आपको जियो स्टेशनरी सेटेलाइट पृथ्वी से लगभग कितने ऊंचाई पर स्थित है, यानी भू स्थिर उपग्रह, जो भू स्थायी उपग्रह है वह पृथ्वी से लगभग कितने ऊंचाई पर स्थित है, तो आपको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, है ना, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब हम बात करते हैं नौ नंबर में जो क्वेश्चन है वह आपको पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी, है ना, नौ नंबर समझिएगा, पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई देती है, किस कारण से टेढ़ी दिखाई देती है समझिएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देंगे आसानी से, मुझे मालूम है। क्वेश्चन है कि पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई देती है। याद रखिएगा ये आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह टेढ़ी दिखाई देती है। याद रखिएगा जो बाल्टी में डूबी हुई सीधी छड़ी होती है वह आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती है, है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन है गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, समझिएगा, गैसों एवं द्रवों में, क्वेश्चन है आपको गैसों एवं द्रवों में, दस नंबर क्वेश्चन है आपको गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, है ना, आपको ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, किस विधि द्वारा, समझिएगा, ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, समझिएगा। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वह आपको ऊष्मा का जो संचरण होता है वह आपको संवहन विधि द्वारा होता है, है ना, संवहन विधि द्वारा संचरण होता है, संवहन विधि द्वारा संचरण होता है, समझिएगा। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वह किस विधि के द्वारा होता है, तो संवहन विधि के द्वारा ये आपको होता है, ठीक ना, संचरण संवहन विधि के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि चिड़िया का आकाश में उड़ना ग्यारह नंबर आपको चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति का प्रतिपादित करती है, न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करती है, समझिएगा, किस नियम को प्रदर्शित करती है। याद रखिएगा क्वेश्चन है कि चिड़िया यदि आकाश में उड़ती है तो वह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करती है, यानी किस नियम के माध्यम से वह चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो याद रखिएगा न्यूटन का तीसरे नियम, है ना, न्यूटन के तीसरे नियम को प्रदर्शित करती है ना, न्यूटन के तीसरे नियम को प्रदर्शित करती है। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करती है, तो न्यूटन के तीसरे नियम को प्रदर्शित करती है, याद रखेंगे, कंप्लीट। अब 12 नंबर है कि पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ना, किस आपको यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा, समझिएगा। पनडुब्बी में पानी के अंदर से, है ना, आपको 12 नंबर क्वेश्चन है पनडुब्बी में पानी के अंदर से
अंदर से बाहर के वस्तुओं को देखने के लिए, बाहर के वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, है ना, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, समझिएगा किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर के वस्तुओं को देखने के लिए आपको किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा ये जो यंत्र है ये आपको पेरीस्कोप है ना, ये आपका पेरीस्कोप है, समझिएगा पेरीस्कोप याद रखिएगा। पनडुब्बी के अंदर से बाहर के वस्तुओं को देखने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह पेरीस्कोप का प्रयोग किया जाता है ना, पेरीस्कोप का। मान लीजिए आप अब पनडुब्बी के अंदर हैं और पनडुब्बी के अंदर से बाहर के वस्तुओं को देखना है तो उसके लिए आपको पेरीस्कोप का प्रयोग किया जाता है ना। अब आ जाए क्वेश्चन कि पनडुब्बी का खोज किसने किया था, समझिएगा है ना, पनडुब्बी का खोज किसने किया था, समझिएगा पनडुब्बी का जो खोज किया था वह आपको अमेरिकी वैज्ञानिक डेविस बुशनेल ने किया था, है ना, आपको डेविस बुशनेल ने किया था। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था तो अमेरिकी वैज्ञानिक डेविस बुशनेल ने किया था, है ना, अमेरिकी वैज्ञानिक डेविस बुशनेल ने किया था। तो ये आपको 12 नंबर था, है ना, 12 नंबर क्वेश्चन था आपको कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर के वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो पेरीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी का खोज किसने किया था तो अमेरिकी वैज्ञानिक डेविस बुशनेल ने किया था। अब हम बात करते हैं 13 नंबर, जब बर्फ पानी पर तैरता है, समझिएगा 13 नंबर जब क्वेश्चन है, जब बर्फ पानी पर तैरता है, तो उसके आयतन का कितना भाग बाहर होता है ना, कितना भाग बाहर रहता है, समझिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग बाहर रहता है, तो 1/10 भाग है ना, इस 1/10 भाग आपको बाहर रहता है। और याद रखिएगा जो बर्फ होता है या बर्फ होता है आपको पानी पर तैरता है लेकिन अल्कोहल में बर्फ डूब जाता है। याद रखिएगा आज ये क्वेश्चन कि बर्फ पानी पर तैरता है और अल्कोहल में आपको ये डूब जाता है, है ना, ये डूब जाता है, ये सब याद रखेंगे कंप्लीट। उसके बाद हम बात करते हैं 14 नंबर, समझिएगा 14 नंबर जो क्वेश्चन है यह है कि चंद्रमा का जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है, समझिएगा चंद्रमा का जी का मान पृथ्वी के जी का मान कितना होता है, तो 1/6 गुना होता है, समझिएगा चंद्रमा का जो जी का मान होता है वह पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। आइए कुछ चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं, है ना, आपको चंद्रमा के बारे में, समझिएगा मून के बारे में, इसका जो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है वह आपको सेलेनोलॉजी कहलाता है ना, सेलेनो
लॉजी कहला जाता है। मैं पूरे चंद्रमा के बारे में बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा चंद्रमा को आज कंप्लीट करा देते हैं और आपको कंप्लीट करना होगा यहीं पे क्लास में, समझिएगा। चंद्रमा का जो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है वो आपको सेलेनोलॉजी कहलाता है, समझिएगा, सेलेनोलॉजी कहला जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह, जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। और याद रखिएगा, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और याद रखिएगा, ये पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वह 384,400 किलोमीटर है ना, 384,400 किलोमीटर है। और याद रखिएगा, चंद्रमा का जो व्यास है, चंद्रमा का जो व्यास है वो आपको 3840 किलोमीटर है, 3840 किलोमीटर है। और याद रखिएगा, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है वह 1.3 सेकेंड में पहुंचता है, 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। और फिर समझिएगा, चंद्रमा पृथ्वी का जो परिक्रमण करता है ना, चंद्रमा जो पृथ्वी का परिक्रमण करता है वो आपको 27 दिन 8 घंटे में करता है ना, 27 दिन 8 घंटे में करता है, समझिएगा। चंद्रमा का जो सबसे बड़ा पर्वत है वह आपको लिबनिट्ज पर्वत है ना, आपको लिबनिट्ज पर्वत है, समझिएगा, लिबनिट्ज पर्वत है। और चंद्रमा पर जो सबसे बड़ा सागर है वह इम्ब्रियम सागर है ना, इम्ब्रियम सागर है। और याद रखिएगा, चंद्रमा का जो आकार है वह पृथ्वी के आकार का है ना, चंद्रमा का जो आकार है वह पृथ्वी के आकार का 1/4 भाग है ना। और चंद्रमा का जो द्रव्यमान है, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का 181 भाग है, 181 भाग है। और याद रखिएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, चंद्रमा के चट्टानों में टाइटेनियम पाया जाता है ना, चंद्रमा पर, चंद्रमा पर चट्टानों में आपको टाइटेनियम पाया जाता है ना, टाइटेनियम पाया जाता है। तो फिर समझिएगा, आपको चंद्रमा के बारे में क्वेश्चन है कि चंद्रमा के जी का मान, पृथ्वी के जी का मान कितना होता है, तो 1/6 भाग होता है। फिर समझिएगा, चंद्रमा का जो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है वो सेलेनोलॉजी कहलाता है, कंप्लीट। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये जो चंद्रमा है यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वह 384,400 किलोमीटर है। चंद्रमा का जो व्यास है वह 3840 किलोमीटर है ना। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक जो पहुंचता है वह 1.3 सेकंड में पहुंचता है ना। उसके बाद चंद्रमा का जो परिक्रमण अवधि है वह 27 दिन 8 घंटे है ना। चंद्रमा पर जो सबसे बड़ा पर्वत है वह लिबनिट्ज पर्वत है। और चंद्रमा पर जो सबसे बड़ा सागर है वह इम्ब्रियम सागर है। और याद रखिएगा, चंद्रमा का जो आकार है वह पृथ्वी के आकार का 1/4 भाग है। और चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग है। और चंद्रमा पर वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है। और एक याद रखिएगा, पृथ्वी से चंद्रमा के जो दिखता है वह मात्र 57% ही दिखता है, 57% भाग ही दिखता है, समझिएगा। मैं अलग देख ये पूरा लिखवा दे रहा हूं, ये आपको अपना सेंटेंस बनाकर लिख लीजिएगा या PDF मिल ही जाएगा। तो पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र 57% भाग ही दिखता है। तो ये आपका चंद्रमा से संबंधित था, ठीक ना, ये आपको पूरा याद कर लेंगे, ओके। इससे एक से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चंद्रमा से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इसे बाहर नहीं आएगा, ओके। ये था आपको 15 नंबर। अब हम बात करते हैं, 14 नंबर था, अब हम बात करते हैं आपको 16 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन, समझिएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि कौन सी तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है, समझिएगा, कौन सा तरंग। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तरंग
निर्वात में भी, निर्वात में भी संचारित हो सकती है, संचारित हो सकती है, हो सकती है। समझिएगा आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग आपको, विद्युत चुंबकीय तरंग आपको निर्वात में भी संचारित हो सकती है। क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा तरंग निर्वात, निर्वात का मतलब स्पेस जहाँ पे ऑक्सीजन या वायुमंडल ना हो, ठीक ना, तो कौन सा तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग आपको निर्वात में भी संचारित हो सकती है ना। आप 16 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझिएगा सोलर कुकर में किस प्रकार का दर्पण, किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा यह खाना बनाने के लिए सोलर कुकर होता है, खाना बनाने के लिए जो सौर प्रकाश से इसको खाना बनाया जाता है, तो सोलर कुकर में आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा सोलर कुकर में आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे है ना। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। समझिएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपको, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है। याद रखिएगा कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड है। समझिएगा हाइड्रोक्साइड है सोडियम, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो आपको हाइड्रोक्साइड है। इसका जो सूत्र होता है वो आपको NaOH है ना, इसका जो सूत्र होता है आपको NaOH इसका सूत्र होता है, ठीक ना। तो ये कास्टिक सोडा का रासायनिक आपको नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है आपको NaOH। अब हम 18 नंबर में बात करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। समझिएगा किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल है ना, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है यानी फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। किसे, याद रखिएगा आपको हाइड्रोजन को है ना, हाइड्रोजन को आपको फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल यानी भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसका खोज किसने किया था, आपको इसका खोज क्वेंडिस ने किया था है ना, इसका जो खोज किया था आपको क्वेंडिस ने किया था। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है ना। समझिएगा कौन सा अम्ल जीवाणुओं को पेट में नष्ट करता है। समझिएगा पेस्ट में नष्ट करता है। याद रखिएगा कौन सा अम्ल जीवाणुओं को पेट में नष्ट करता है, तो इसका है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह जीवाणुओं को पेट में नष्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl
है ना, इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो कौन सा अम्ल जीवाणुओं को पेट में नष्ट करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो आपको जीवाणुओं को नष्ट करता है पेट में, ठीक ना, आपको जीवाणुओं को पेट में नष्ट करता है, समझिएगा। तो आपको फिर आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है, समझिएगा। 20 नंबर, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु, पाया जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है, एकमात्र अधातु कौन सा है, याद रखिएगा ब्रोमीन है ना। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र जो आपको अधातु है ब्रोमीन है, याद रखिएगा। इसका खोज किसने किया था, इसका खोज आपको फ्रांसिस वैज्ञानिक बैलार्डे ने किया था, है ना, बैलार्डे ने किया था। कब, 1826 में। कहाँ के थे आपको, फ्रांस के थे, फ्रांस के निवासी थे। तो समझिएगा आपको कौन सा अम्ल जीवाणुओं को पेट में नष्ट करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट करता है जिसका रासायनिक सूत्र HCl होता है, और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र जो अधातु होता है वह ब्रोमीन है, जिसका खोज आपको फ्रांसीसी वैज्ञानिक बैलार्डे ने 1826 में किया था, ठीक ना। तो ये आपका सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 12 होता है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि भी क्लास आपको पसंद आया होगा, और फिर रिक्वेस्ट करता हूँ बाबू आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग क्रिकेट मत देखिए, समय बर्बाद मत कीजिए, और अंगूठा छाप नेताओं के पीछे मत भागिए। कोई एमएलए बन जाएगा तो आपको कुछ नहीं देने वाला, और इंडिया जीत जाएगी चाहे पाकिस्तान जीत जाएगा, मालूम नहीं, मुझे आईपीएल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कोई भी जीत जाएगा तो उसे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है सिवाय घाटे का। तो प्लीज़ आप ये ना देखें और पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक ना। तो रहने देते इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।